एक काजर भाई और शाहिद मुर्गा, शाहिद मुल्तानी ये, और रईस, और ये चार पांच जनों के माते मैं आत्महत्या कर रही हूँ। ये मेरी मौत के जिम्मेदारी ये लोग रहेगा। ये मोहल्ले वालों ने इतनी परेशान कर रखी मुझे। मेरी मौत के जिम्मेदार है काजर भाई, एक इसका नवासा, और एक ये शाहिद मुल्तानी, ये मेरी मौत के जिम्मेदार होगा। मैं अभी आत्महत्या कर रही हूँ ना के माते। ये वीडियो है कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता का, जिसने जहर खाने से पहले अपना एक वीडियो बनाया और इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कुछ ही देर में ये वीडियो जंगल में आग की तरह हर किसी के मोबाइल तक जा पहुंचा। महिला कोटा जिले की रहने वाली है। कांग्रेस की इस महिला कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस महिला का आरोप है कि शाहिद मुल्तानी समेत कुछ कांग्रेस नेताओं और बस्ती के कुछ लोगों ने इसे इतना प्रताड़ित कर दिया कि इसे मजबूर होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। के माते मैं आत्महत्या कर रही हूँ। ये मेरी मौत के जिम्मेदारी ये लोग रहेगा। ये मोहल्ले वालों ने इतनी परेशान कर रखी मुझे। मेरी मौत के जिम्मेदार है काजर भाई, एक इसका नवासा, और एक ये शाहिद मुल्तानी। महिला की किस्मत अच्छी थी कि जहर खाने के बाद इसे वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने इसका इलाज कर इसकी जान बचा ली। लेकिन अस्पताल में भी ये महिला रो रो कर अपना दर्द बयां करती रही। परेशान कर रखा, बहुत पेन कर मुझे, शाहिद मुर्गा ने तो बहुत परेशान कर रखा मुझे, गलत गलत बातें कहता है वो, बहुत ऐसी बातें कह रखी जो बताने की भी नहीं है। इतनी गंदी बात कह रखी इसने, मैंने थाने में बोल दिया, शाही शेर साहब आए थे अभी, बोल दिया मैंने शेर साहब को, इसलिए जेल का यह ना कि माथे में तो मरना चाहती हूँ, बाद में भी मरूंगी मैं तो, अब जीना भी नहीं चाहती हूँ। कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता के आत्महत्या की कोशिश के इस मामले से अब सियासत में भूचाल आ गया है। महिला को आत्महत्या पर मजबूर क्यों होना पड़ा, इस बात की भी जांच हो रही है। कैथोनी पोल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि इस घटना की असल वजह सामने आ सके। राजस्थान तक के लिए कोटा से संजय वर्मा की रिपोर्ट।